खबर आगरा से, जहां पर एसएसपी ऑफिस के सामने युवती ने किया मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास। पति द्वारा दूसरी शादी करने से रोकने को लेकर पूर्व में पुलिस से की थी शिकायत। थाना पुलिस द्वारा पति के खिलाफ कार्यवाही न करने के लगाए आरोप। आज अभी एक महिला कमला नगर से आई है, उनकी शादी करीब 1.5 साल पहले हुई है और पति से कल मारपीट हुई है, जिसमें NCR दर्ज कर उसे 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अभी वो आई कि उनके पति सास ससुर इनके जो है उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं, तो उसकी पूरी छानबीन करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर रहा हूँ और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। सर, महिला का आरोप है कि वो उनका पति दूसरी शादी भी करने जा रहा है, उसे रोका गया। भाई, मैंने कहा कि जो भी आरोप ये लगा रही हैं, जो या तो जो दुर्व्यवहार की उनके इन लॉज के द्वारा या फिर अगर दूसरी शादी की भी है, उन सभी को गहनता से जांच कर लिया जाएगा और अगर ऐसा वो कर रहा होगा तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ देश व प्रदेश में ऊंच नीच जाति भेदभाव से समाज पीड़ित है, इसके सीधे विपरीत आपको सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पालिका बांसी में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस पटवारी ने विगत कई वर्षों से नवरात्रों के छठे दिन माँ दुर्गा की आस्था रखकर फलाहार कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एक समान बड़ी आस्था के साथ हिस्सा लेते हैं। आज वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ममता प्रसाद पांडे ने दुर्गा की प्रतिमा फूल माला अगरबत्ती के साथ, वहीं पर पूर्व चेयरमैन चमन रानी ने अपने पति के साथ इस तरह से निभाते हैं कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, श्रद्धालुओं के फलाहार कार्यक्रम में भीड़ लगी रहती है। आज इस फलाहार कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के पास अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार दो युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद मुंडा पांडे ब्लॉक की दर्जनों ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास शौचालय निर्माण में लाभार्थियों ने तहसील दिवस में पहुंचकर ग्राम प्रधान शरीफन और सचिव मोहन सिंह रावत पर शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान सचिव ने शौचालय आवास निर्माण में दर्जनों लाभार्थियों से 2-3 हजार रुपए रिश्वत ली है। ऐसे ही मामले प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीरपुर बढ़िया का भी चला रहा, लोग आरोप इसमें भी लगा रहे हैं कि हमसे पैसे लिए गए हैं प्रधान द्वारा निकलवाने के बाद में हमारे खातों से। तो सर, ये क्या मामला है, इसकी जांच आप खुद कर रहे हैं? अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर प्रधान ने पैसा लिया है और इस योजना में पैसा लाभार्थी खाते में दिया जाता है, मालिक लाभार्थी है, पैसा लाभार्थी निकालता है, पैसा लाभार्थी ने निकाला तो प्रधान को दिया क्यों? या तो प्रधान ने उससे छीन लिया होगा, क्योंकि पैसा लाभार्थी बैंक से निकालता, प्रधान निकालने नहीं जाता है। तो जब उसने निकाला उसी समय उनको कहना चाहिए था प्रधान ने हमारा पैसा ले लिया, आवास दिए हुए आज 1 साल से ऊपर हो रहा है। सर, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों करोड़ रुपए शौचालय निर्माण में खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है और शौचालयों की गुणवत्ता देखी जाए तो वहाँ पीलाइट और गलत रिश्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही मामला विकासखंड मुंडा पांडे में इन दिनों चरम सीमा पर है, जहाँ के शौचालय निर्माण में प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा बड़ी लापरवाही और घोटालेबाजी की गई है। जब हमने इस पर अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने इस पर भी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ढुलमुल रवैया अपनाते हुए सीधा यही कहा कि हम लोग ग्राम स्तर पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विकासखंड मुंडा पांडे के अंदर अब तक कितने शौचालयों में कितना घोटाला हुआ है, किसके विधान पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। कैमरा पर्सन शाहिद हुसैन के साथ नसीम खान, CMN न्यूज, मुरादाबाद। आज दादागंज में लोकप्रिय विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के आवास के ठीक सामने बने नवनिर्मित भवन में आज विधिवत शुरू हो गया। नवीन भवन में शिफ्ट होने में पूर्व विधिवत हवन पूजन किया गया, जिसमें विधायक राजीव कुमार सिंह के युवा पुत्र ठाकुर अतेंद्र सिंह उर्फ अंकित भैया वे विधायक की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा सिंह वे परिवार के सदस्य और सैकड़ों लोगों ने भागीदारी देकर हवन में आहुति दी। यूपी के जहांगीराबाद में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में मंडलीय 65वें माध्यमिक विद्यालय की 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्रबंधक सुरेंद्र अग्रवाल व प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। माध्यमिक विद्यालय मंडली है कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें मेरठ जनपद के समस्त मेरठ मंडल के 6 जनपदों से 225 खिलाड़ी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और खिलाड़ी उत्साहपूर्वक खेल रहे हैं। और जैसा कि विगत प्रतियोगिताओं में आपने देखा है कि फर्जी खिलाड़ी अभी भी कहीं ना कहीं किसी गली से निकल रहे हैं।